पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो चुके रामटेक गढ़ मंदिर लक्ष्मण द्वार के पास महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के द्वारा 2008 में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पर्यटक माहिती केंद्र पिछले 14 सालों से बंद पड़ा है, जिसमें नागरिकों के बीच चर्चा चल रही है कि इस पर्यटक माहिती केंद्र का वनवास 14 साल होने के बाद भी खत्म क्यों नहीं हो रहा। भगवान श्री राम जी का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया था, परंतु आपसी खींचतान वाली राजनीति के चलते महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 2008 में बनाया गया पर्यटक माहिती केंद्र पूरी तरह से जंगली झाड़ियों में परिवर्तित हो गया है तथा दीवारों पर दरारें पड़ने के साथ लगाई गई टाइल्स एवं गट्टू को चीर कर जंगली झाड़ियां उगाई है। रामटेक मध्ये या प्रभु श्री रामाच्या पायथ्याशी म्हणजे जिथे आपण जात असतो त्याच्या पायथ्याशी एवढा मोठा स्ट्रक्चर तयार केलेला आहे आणि तिथली व्यवस्था आपण पाहिली तर तिथं आज एक सामान्य माणूस किंवा एक पशुसुद्धा इथं सुरक्षित राहू शकत नाही, इतकी दुर्दैव व्यवस्था या MTDC-च्या या परिसराची झालेली आहे। इस पर्यटक माहिती केंद्र को शुरू करने की मांग का एक पत्र रामटेक SEO वंदना सौरंगपते, रामटेक नगर परिषद CEO पल्लवी राउत को देकर इस पर्यटक माहिती केंद्र को शुरू करने एवं संरक्षण करने की मांग की गई है। रामटेक मध्ये कुठले कुठले पर्यटन स्थळ आहे आणि कुठल्या पर्यटन स्थळाचा कुठले महत्व आहे हे समजावं याकरता या ठिकाणी पर्यटन माहिती केंद्र एस्टॅब्लिश केलं। 2008 पासून आज 2024 आहे मित्रांनो, तुम्ही विचार करा की या ठिकाणी एकही यात्रेकरू एकही पर्यटक या ठिकाणी येऊ शकला नाही। इस प्रकरण में रामटेक नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश कारेमोरे ने अनावश्यक रूप से बनाई गई इमारतों को जनता एवं सरकार के पैसे की लूट बताया है। और इस तरीके के बहुत सी चीजें जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ लेकिन वो पब्लिक के कोई काम नहीं आई, ये सब स्थानीय विधायक और स्थानीय प्रशासन की मनमर्जी से सब काम चल रहा है और गवर्नमेंट के पैसों को जनता के पैसों को लूटने का धंधा है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अजय मेहरकोड़े, रामटेक।